गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन में ये खूबसूरत पौधे। कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। ये फ्रेंड्स है विनका, जिसे सदाबहार भी कहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत फूल देता है और इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और आराम से रह लेता है। ये 40 डिग्री टेम्परेचर को भी आराम से बर्दाश्त कर लेता है। फ्रेंड्स ये देखिए, वाइट और ये दूसरा पर्पलिश कलर का फूल। इसे हम हैज के रूप में भी उगा सकते हैं। अगर हमें बाउंड्री तैयार करनी है तो हम इसे उगा दें और इसके अंदर देखिए फलियां आती हैं और वो फलियां गिर करके बहुत सारे पौधे तैयार कर देती हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही ये फलियां हैं फ्रेंड्स इसकी, ये फलियां हैं और ये फलियां सूख कर गिरती रहती हैं और ढेर सारे पौधे तैयार करती हैं। तो इस तरह से ये आपके ग्राउंड कवर को तैयार कर देती हैं और आप इससे हैज भी बना सकते हैं। देखिए आप कहीं से भी अगर आपको इसका एक पौधा मिल जाए तो वो ले लें और उससे फिर ये अपने आप प्रोपगेट होता रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ग्राउंड में देखिए सैकड़ों पौधे आप देख पा रहे होंगे, फली से सैकड़ों पौधे यहाँ तैयार हो गए हैं अपने आप। फ्रेंड्स सब जो है इनकी फलियों से गिर करके अपने आप उगे हैं। मैंने सिर्फ एक पौधा लगाया था और ये इतने सारे सैकड़ों पौधे इसकी फलियों से गिर करके फ्रेंड्स तैयार हुए हैं। केयर नहीं मांगते। और फ्रेंड्स ये 40 डिग्री टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है और कम पानी में भी चलता रहता है और गर्मी भर आपको फूल देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ायदे की। तो फ्रेंड्स सदाबहार की पत्तियों का रस सांप बिच्छू के काटने पर जहर को फैलने से रोकने में कारगर है। इसे अगर हम प्रभावित स्थान पर लगा लें और एक चम्मच पी लें तो जहर जो है हमारी बॉडी में नहीं फैलेगा। और इसकी पत्तियों का रस पीने से तंत्रिका तंत्र भी ठीक से काम करता है और इसका सुबह शाम सेवन करने से पत्ती और फूल को आधी आधी मात्रा में काढ़ा बनाकर सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से फ्रेंड्स ये हमारे वजन को भी कम करता है। और इसके पत्तियों के रस को नारियल के तेल में मिलाकर सिर पर मसाज करने से बाल काले होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विनका हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है।